नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल बॉयज हॉस्टल की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पोड़ो पिठा। ये ओडिशा का एक फेमस पिठा है, आप जरूर इसको घर पे ट्राई कीजिए और कैसा लगा मेरा वीडियो पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पोड़ो पिठा के लिए नारियल और चीज का एक स्टफिंग बना लेंगे। उसके लिए हमने ली है गुड़ 250 ग्राम और एक मीडियम साइज नारियल को छोटे छोटे पीस में हम ग्राइंडिंग कर लिए हैं। चीज 250 ग्राम, आप चीज के बदले में पनीर भी यूज कर सकते हैं। और कुछ नारियल को हम छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं जो कि हम पीठा में डालेंगे। पीठा बनाने के लिए हमने ली है एक आधा बाउल राइस फ्लोर। राइस को हम एक रात पूरा पानी में सोख करके रखे थे, फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह को धूप में सुखा के ग्राइंडिंग कर लिए हैं। गुड़ इसमें से हम आधा ही यूज करेंगे, घी 1 चम्मच यूज करेंगे, तेज पत्ता 4 पीस लिए हैं, इलायची पाउडर 1 चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच और कुछ नारियल को हम बड़े बड़े पीस में काट लिए हैं जो कि हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम नारियल और चीज का स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई थोड़ा हल्का गर्म हो जाने के बाद हम उसमें 250 ग्राम गुड़ डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में गर्म करेंगे जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, तो इसमें हम अभी ग्राइंडिंग करके रखे हुए नारियल को डाल देंगे। नारियल डालने के बाद इसको गुड़ के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में गर्म करेंगे, उसके बाद में हम इसमें चीज डाल देंगे। पांच मिनट के बाद हम इसमें चीज डाल दिए हैं, तो इसको अभी गुड़ और नारियल के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम स्टफिंग को 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर करके गर्म करेंगे। पांच मिनट के बाद हम कवर निकाल के देख सकते हैं चीज के अंदर में जो थोड़ा सा पानी सोख होकर रहता है वो निकल गया है। अभी हम इसको बिना कवर किए 5 से 6 मिनट के लिए गर्म करेंगे, उसके बाद भी हमारा स्टफिंग रेडी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं स्टफिंग का पानी पूरा सूख गया है, तो हम अभी इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। अभी हम पीठा बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई थोड़ा हल्का गर्म होने के बाद उसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। घी पूरी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद हम उसमें आधा बाउल पानी डाल देंगे। पानी उतना ही यूज करें जितना राइस फ्लोर आप पीठा बनाने के लिए लिए हैं। हमने आधा फ्लोर राइस फ्लोर लिया है, इसीलिए हम आधा बाउल पानी डाले हैं। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम में गर्म करते हैं। 4 मिनट के बाद हम कवर निकाल देखते हैं, पानी थोड़ा हल्का गर्म हो गया है, तो इसमें हम अभी तेज पत्ता डाल देते हैं, उसके बाद 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम इसमें एक बड़े चम्मच में गुड़ लेके उसको डाल देते हैं और पानी के साथ में
अच्छी तरह से मिस कर लेंगे। अभी इसमें हम जो काटे हुए छोटे पीस में नारियल रखे थे उसको डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में गर्म करेंगे। 5 मिनट के बाद हम कवर निकाल के देख सकते हैं गुड़ पूरा पानी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो हम अभी इसमें राइस फ्लोर डाल देंगे। राइस फ्लोर डालने के समय हम गैस का सप्लाई ऑफ कर देंगे और उसको बारी बारी डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके। एक एक चम्मच राइस फ्लोर पानी में डालने के समय उसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए ताकि वो कहीं एक साइड पे लग ना जाए। अभी आप देख सकते हैं हमने सारे राइस फ्लोर कढ़ाई में डाल दिया है। तो अभी हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। उसके बाद में पीठा के लिए राइस फ्लोर का पेस्ट रेडी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पीठा के लिए राइस फ्लोर का पेस्ट पूरा बन गया है। तो हम अभी इसको एक जगह पे निकल के ठंडा कर लेते हैं। अभी हम आते हैं हम हमारे फाइनल स्टेप के लिए। फाइनल स्टेप में हम एक बर्तन लेके उसमें चारों साइड से बनाना लिप रख देते हैं जिससे कहीं से भी थोड़ा सा गैप ना रहे। अगर आपके पास बनाना लिप नहीं है तो आप बटर पेपर यूज कर सकते हैं, और अगर नॉनस्टिक का बर्तन यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसमें चारों साइड से घी लगा के आप डायरेक्ट राइस फ्लोर का पेस्ट डाल सकते हैं। और अगर ओवन में बना रहे हैं तो बर्तन का चारों साइड में थोड़ा सा घी लगा के आप डायरेक्ट ओवन में रख सकते हैं। अभी हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने के बाद मीडियम साइज में काटे हुए जो नारियल रखे थे उसका भी हम अभी इसमें डाल देंगे। नारियल डालने के बाद आप थोड़ा काजू किशमिश भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अभी आप देख सकते हैं राइस फ्लोर का पेस्ट पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो हम अभी इसको चारों साइड में अच्छी तरह से फैला के डाल देंगे। राइस फ्लोर का पेस्ट डालने के बाद हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के उसको चारों साइड में अच्छी तरह से फैला लीजिए ताकि कहीं से भी गैप ना रहे। अगर कहीं से भी गैप रहेगा तो पीठा में क्रैक आ सकता है, तो उसको अच्छी तरह से चारों साइड में फैला दीजिए। अभी इसमें हम जो नारियल और चीज का स्टफिंग बना के रखे थे उसको अच्छी तरह से चारों तरफ में फैला के डाल देंगे। अभी इसके ऊपर में हम बाकी बचा हुआ राइस फ्लोर का पेस्ट डाल देंगे। अभी इसके ऊपर में हम थोड़ा सा काजू किशमिश और नारियल भी गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। अभी इसको हम पूरी तरह से कवर करके लो फ्लेम में 1 घंटा के लिए गर्म करेंगे। अभी 1 घंटा के बाद हम कवर निकल के देख सकते हैं पोड़ा पिट्ठा पूरी अच्छी तरह से बन गया है। अभी नीचे पोर्शन में पोड़ो पिट्ठा अच्छी तरह से बन गया है कि नहीं हम चाकू घुसा के चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चाकू पूरा ड्राई निकल रहा है, यानी कि हमारा पोड़ो पिट्ठा पूरी तरह से बन गया है। अभी हम पोड़ो पिट्ठा को एक प्लेट में निकल के सर्विंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल बॉयज हॉस्टल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी कोई भी